आज का आपका टॉपिक है संकरण। देखिए यहां से सबसे पहले क्या कर लेते हैं, संकरण की डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को इसकी डेफिनेशन रटनी पड़ती है, रटनी ना पड़े इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में ही आता है। और यहां से ध्यान रखेंगे कि आज का ये जो संकरण टॉपिक है, ये दो वीडियो में हमारा उपलब्ध रहेगा आपके पास। पहली वीडियो आज हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, और आप सभी लोगों को जैसी वीडियो लगे, जैसा आपको समझ में आए, उस प्रकार का कमेंट आप उनको जरूर करिए, जिससे कि हम आपकी समस्याओं को अगले वीडियो में सॉल्व कर सकें। देखते हैं संकरण क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें समान ऊर्जा, हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग समान ऊर्जा की, लगभग समान, वह प्रक्रिया जिसमें समान ऊर्जा की असमान आवेग, असमान ऑर्बिटल जितनी आपस में मिलती हैं, जितनी आपस में मिश्रित होती हैं, उतनी ही नई ऑर्बिटल्स का निर्माण करती है। बनी हुई नई ऑर्बिटल्स संकरित ऑर्बिटल्स कहलाती है, संकरित ऑर्बिटल कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को और इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। संकरण कहा जाता है। बहुत से डेफिनेशन है कि वह प्रक्रिया जिसमें समान ऊर्जा की, लगभग समान ऊर्जा कह सकते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें समान ऊर्जा की असमान ऑर्बिटल्स जितनी आपस में मिलती हैं, उतनी ही नई ऑर्बिटल्स का निर्माण करती है। और जो नई बनी हुई ऑर्बिटल्स होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं कि संकरित ऑर्बिटल्स कहते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इस नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने की जो प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण के टाइप्स होते हैं। संकरण कितने टाइप्स का होता है, इस चीज को भी देख लेते हैं। और उसके बाद संकरण के कुछ नियम होते हैं, इस नियम को भी हम लोग यहां पर देख लेंगे इस टॉपिक में। संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार, ऑर्बिटल के मिश्रित होने के तरीके के आधार पर संकरण निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। संकरण sp, संकरण sp2, संकरण sp3,
थ्री संकरण। यहां पर एक बात तो और ध्यान रखेंगे कि कभी भी एसपी स्क्वायर और एसपी क्यूब संकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही कहा है कि जितनी ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल्स का निर्माण करती है। इस बात का ध्यान रखते हुए यहां पर क्या बोलेंगे, एसपी टू संकरण, और इसको क्या बोलेंगे, एसपी थ्री संकरण। ओवरऑल अभी तक आपने देखा एसपी, एसपी टू, एसपी थ्री, और इसके बाद एसपी थ्री डी ऑर्बिटल, फिर एसपी थ्री डी टू ऑर्बिटल, एसपी थ्री डी थ्री ऑर्बिटल्स के द्वारा संकरण हो जाता है। इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे एसपी संकरण, एसपी टू संकरण, एसपी थ्री संकरण, एसपी थ्री डी संकरण, एसपी थ्री डी टू संकरण और एसपी थ्री डी थ्री संकरण। हम इतने प्रकार का संकरण आज पढ़ने वाले हैं, और इनको पढ़ने के लिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, संकरण के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स आप हमारी ऑडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, हम यहां पर आपको बता रहे हैं। संकरण के नियम, पहला नियम है कि लगभग समान ऊर्जा की, लगभग समान ऊर्जा की ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होती है, जिनकी ऊर्जाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं या लगभग समान होती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ में इस बात का भी ध्यान है कि ऑर्बिटल्स की आकृति डिफरेंट हो सकती है, जैसे एस ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होती है तो एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, गोलाकार, कैसा होता है, गोलाकार। पी ऑर्बिटल्स इसके साथ में मिश्रित होती है तो इसका आकार कैसा होता है, डंबल के आकार का, कैसा, डंबल के आकार। और ये चीज यहीं पर और भी क्लियर कर ले, जब भी एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होती है तो वे क्या करती हैं, एक नई ऑर्बिटल का निर्माण करती हैं जिसकी आकृति ये देखिए ओवरलैपिंग होती है, ये इसका मिश्रण, और इसी के आधार पर इसका आकार हो जाएगा, एक एसपी ऑर्बिटल का आकार हो जाएगा, आप देखो ये लोब बड़ा हो जाएगा और ये लोब कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किसकी वजह से, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से या एस ऑर्बिटल की मिश्रण की वजह से। तो आकृति कैसी हो जाएगी, इस प्रकार की हो जाएगी, एक एसपी ऑर्बिटल, एक एसपी ऑर्बिटल, ये होके जा सकते आपका एसपी ऑर्बिटल। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है, मैंने पहला नियम बताया कि लगभग समान ऊर्जा की अथवा समान ऊर्जा की ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होंगी, कैसी, समान अथवा लगभग समान ऊर्जा की ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होंगी। तो लगभग समान या असमान ऑर्बिटल्स को कैसे हम लोग यहां पर डिटेक्ट करेंगे, जैसे एक एग्जांपल यहां पे हमने ले कि बेरिलियम ले लेते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p 0, 2p 0, 0 का मतलब हो गया कि p ऑर्बिटल वैकेंट है, कैसी है, p ऑर्बिटल रिक्त है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको लिखने का तरीका हमारा यह भी हो जाता है कि 1s2 2s2 2p x 2p y और 2p z, ये कैसा है, क्योंकि वैकेंट है इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, 2px 0, 2py 0 और 2pz 0। हमने जो बात बताई आपको कि समान ऊर्जा की, आपने पढ़ा होगा क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्याओं में आपने पढ़ा होगा मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करती है, मुख्य क्वांटम संख्या
इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है, जो कि किसी भी उपकोष के सामने ये लिखी रहती है, ये ऊर्जा स्तर लिखा रहता है। अगर आप देखें तो इसका इसका एनर्जी लेवल कितना है, वन। इन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो एनर्जी लेवल है वो कितना है, दो। जबकि यहां पर देखिए इन इलेक्ट्रॉनों के लिए एनर्जी कितनी है, एनर्जी लेवल टू। और अगली ऑर्बिटल्स को आप देखते हैं तो इसका भी एनर्जी लेवल कितना है, टू है। अर्थात संकरण इस वाली ऑर्बिटल में नहीं होगा, संकरण कहां पर होगा, इस वाली ऑर्बिटल से। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि इनकी ऊर्जाएं कैसी हैं, समान है, और ऑर्बिटल्स कैसे हैं, पी है, पी जेड है, पी एक्स है और पी वाई है, और यहां पर क्या है, एस। तो एस का भी मैंने आपको बताया कि एस कैसी होती है, गोलाकार, जबकि पी कैसी होती है, डबल क्या। तो आकार में अगर हम देखें तो आकार कैसा है, भिन्न भिन्न है, जिनके मध्य संकरण होने वाला है, और ऊर्जा कैसी है, समान है, सभी एनर्जी लेवल टू की है, और उनके आकार कैसे हैं, डिफरेंट है। ऐसे हम लोग जानेंगे यहां से कि एनर्जी लेवल कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि एनर्जी लेवल समान है जबकि ऑर्बिटल्स के आकार कैसे हैं, डिफरेंट है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि संकरण में जितनी ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट करती है, दूसरा नियम क्या हो गया कि संकरण में जितनी ऑर्बिटल्स मिश्रित होती हैं या पार्टिसिपेट करती हैं, उतनी ही नई ऑर्बिटल्स का निर्माण भी होता है। दो करेंगी तो दो बनेंगी, तीन करेंगी तीन बनेंगी, चार करेंगी चार बनेंगी, जैसे 1s, 1s ऑर्बिटल आपस में इसके साथ में 1s और ये 1p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होगी। कितनी ऑर्बिटल मिश्रित होगी, एक और एक दो, तो कुल कितनी बनाएंगी, दो बनाएंगी। क्या होगा उसका नाम, उसका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही होगी आपकी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दूसरी चीज क्या है, जब यहां पर 1s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित, अब आप देखिए यहां से एक और दो मिलकर के कितनी हो जाती है, तीन। इसका मतलब यहां पर कितनी बनेगी, तीन न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, जिनका नाम क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी प्रकार से 1s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होगी, तो कुल कितनी हुई आप यहां पर जाकर के, चार, 3p और एक s, 3p और एक s, इसका मतलब कितना टोटल हो गया, चार, चार हो जाएगा। तो चार बनेगी यहां, लेकिन कौन सी बनेगी, बनेगी कौन सी, sp। यहां पर कितनी बन रही है, 1sp, यहां पे कितनी बन रही है, 2sp2, और यहां पे कितनी बन रही है, यहां पर तीन बनेगी 3, और यहां पर कितनी बन रही है, 4। टोटल जितना होता है वो जितनी आपस में मिश्रित होंगी उतना ही टोटल न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करती है। 1, 1, 2 हो गया, तो यहां से कितनी बनेगी, जा कर दीजिए 1 आप करके, यहां पर कितनी बनेगी, 2, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर 1 और 2 मींस 3, तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर 1 और 3 कुल मिलाकर के 4, तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। इसी प्रकार से जब टोटल ऑर्बिटल का मिश्रण 5 होगा तो वो क्या बनाएगी, sp3d2 बनाएगी। क्या बनाएगी, जब 1s 1s और 3p
और एंड वन बी और राइट, तो टोटल कितनी हो गई, एक तीन चार और एक मिलाकर के कुल कितनी हो जाकर के पांच नई ऑर्बिटल्स बनेंगी, और वो ऑर्बिटल्स होगी कौन सी, एस टी थ्री डी, तीन और एक चार और एक पांच, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिट। इसी प्रकार से जब यहां पर हमारी 2D, अभी 1D है, 2D ऑर्बिटल प्लस 3P ऑर्बिटल और 1S ऑर्बिटल, टोटल यहां पर कितना हो जा करके 6, 6 हो भी जा सके, तो ये sp3d 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, उनकी संख्या कितनी होगी, 1 3 4 5 6। इसी प्रकार से जब 1s और 3p और 3d ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो कितनी बनाएंगी, 3 3 6 और 7 sp 3 d 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दूसरा नियम भी आपके समझ में आ गया होगा कि जितनी ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होंगी उतनी ही नई ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा। इज दैट क्लियर? ओके। अगला नियम होता है, यह जरूरी नहीं है कि संकरण करने वाली ऑर्बिटल्स की आकृति समान हो, जैसे अभी आपने देखा था एस ऑर्बिटल गोलाकार होती है, इसका आकार अलग हो गया, पी ऑर्बिटल डंबल के आकार की होती है, इसका आकार अलग हो गया, डी ऑर्बिटल डबल डंबल के आकार की होती है। तो यहां पर तीसरा नियम यही है कि यह जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल की आकृति कैसी हो, समान हो। इसके बाद अगला है कि किसी अणु की जो ज्यामिति होती है और जो उनके बॉन्ड्स के बीच का बंधन कोण होता है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, संकरण के ऊपर। तो चौथा नियम भी आपको क्लियर है कि ये अभी आप आगे और एक्सप्लेन करेंगे तब आप और अच्छे समझ जाएंगे। चौथा नियम ये है कि किसी अणु की ज्यामिति और उसका बंधन कोण कौन तय करता है, संकरण तय करता है। पांचवा नियम यह है कि जिस ऑर्बिटल का यूज संकर कक्षकों के बनने में हो चुका होता है वे दोबारा यूज नहीं होती, ये नियम नंबर पांच हो गया है। अगला नियम होता है संकर कक्ष के आपस में आकृति में समान हो सकती है, या हम यही कहें कि संकर कक्ष के आपस में समान होते हैं परंतु त्रिविम में जो इनका ओरिएंटेशन होता है, जो विन्यास होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट, कैसा होता है, डिफरेंट। तो ये तो नियम हो गए और इसके बाद में हम लोग सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, एसपी संकरण, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ये जो मैंने ऑडियो में आपको रूल्स बताए हैं इन्हें आप ध्यान से सुन करके और समझ सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। एसपी संकरण, एसपी संकरण का मतलब है कि जब एक एस ऑर्बिटल व एक पी ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होती है तो अब आप सोच गए होंगे कि कितनी नई ऑर्बिटल बनेगी, कितनी बनेगी, दो। तो दो नई एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण, हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण
घटना को हम लोग बोलेंगे या घटना या यह प्रक्रिया एसटी संकरण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं बी एफ टू में या बी सी एल टू में या एसिटिलीन में यहां से एक तरीका और भी होता है क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड डाइजेस्टर। इसका मतलब यह हुआ कि जितने सिग्मा बॉन्ड किसी एक परमाणु के ऊपर होंगे उतना ही संकरण भी हो जाएगा। जैसे यहां पर एसिटिलीन को हम एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं एसिटिलीन का मतलब सिग्मा बॉन्ड आप सभी को देखना मालूम है। यहां से देखिए इस कार्बन की हम अगर बात करते हैं तो इस कार्बन पर एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, इसलिए इस पर क्या बनेगा एसटी संकरण, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है टू और टू हो जाएगा तो कितनी बन जाएगा क्या संकरण हो जाएगा इसके ऊपर एसटी, एक एस और एक टी। इस वाले कार्बन पर यहां पर एसटी, इस वाले कार्बन पर भी आप अगर देखते हैं तो एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा, इसका मतलब क्या हो गया एसटी, मतलब इस कार्बन पर एसपी संकरण और इस कार्बन पर भी एसपी संकरण। बात समझ में आई ठीक। अब देखिए यहां से जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं बी एस टू का, बी एफ एसपी संकरण का उदाहरण बी एफ टू और बी सी एल, इसमें देखते हैं। तो बी अभी भी मैंने बताया था बी का परमाणु क्रमांक कितना होता है चार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2px0 2py0 और 2pz0। इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर इसकी सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में इनके हम ऑर्बिटल्स बना दें। s उपकोष में एक ऑर्बिटल होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है दो, जो कि हुंड के नियम से हम लोग लेते हैं। हुंड का नियम सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, पी में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, एक पी एक्स दूसरी पी वाई और तीसरी पी जेड। अब यहां से देख रहे ग्राउंड स्टेट में पी ऑर्बिटल वैलेंट है, जबकि एक्साइटिंग स्टेट में आप देखें तो यहां से एक बात और जो कि मैंने पहले बताया कि देखिए इसकी एनर्जी लेवल इनकी एनर्जी लेवल से अलग है। शर्त क्या है कि एनर्जी लेवल कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसका मतलब है संकरण में ये 1s2 भाग नहीं लेगी, संकरण में केवल कौन भाग लेगा 2s वाली और 2p वाली। तो यहां से इससे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन एक्साइटिंग स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां का जंप करके कहां पहुंच जाएगा px, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंचेगा px, और py और pz कैसी रहेगी वैकेंट रहेगी ठीक। तो अब यहां से आयनित इलेक्ट्रॉन इसमें है, आयनित इलेक्ट्रॉन इसमें है, यहां मिश्रण कितने का हो रहा है इसका और इसका, एक s ऑर्बिटल का और एक p ऑर्बिटल का, क्योंकि हमको एफ का एटॉमिक नंबर
नंबर कितना होता है 9, 1s2, 2s2 और 2p। ठीक, बाकी में तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, जबकि पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो अयुग्मित होगा, अनपेयर्ड होगा, 4 और 1 5। तो ये कौन सी ऑर्बिटल है, पी जेड। पी जेड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स की आकृति आप सभी लोगों को पहले से मालूम है, मैंने पहले भी पढ़ा रखी आपको है। तो पी जेड, पी जेड वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, इसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा एक, और दूसरा क्योंकि एफ टू है इसलिए एक और से एक परमाणु यहां पर और दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहां। कुल मिलाकर के ये क्या बना, सहसंयोजी बंध, और ये क्या बना, सहसंयोजी बंध। इस प्रकार से यहां पर कितने सहसंयोजी बंध बन रहे हैं, एक और ये दो, दो सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। क्योंकि दोनों ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, एसपी हाइब्रिड। ठीक, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसपी हाइब्रिड डाइजेशन। अब क्या करते हैं, इसकी ऑर्बिटल्स को समझ लेते हैं। यहां पर एक एस और एक पी, कितनी है, दो। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मैंने पहले बताया था कि एसपी की आकृति कैसी होती है, एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा है। ये लोब कैसा है, लार्ज, लार्ज लोब, और ये कैसा है, स्मॉल। क्योंकि यहां पर दो बनी इसलिए कैसे हम करेंगे कि देखिए यहां से बिल्कुल स्पष्ट, एक को एसपी आपकी ये होगी, ठीक, और इसी पे दूसरी वाली एसपी को मिक्स करना है तो कैसे बनाएंगे, बन गई। ठीक, आपने देखा था कि यहां पर एक पी वाई और एक पी जेड कैसी थी, वैकेंट, वैकेंट वाले भी बना लेते हैं। ये कौन सी होगी जाकर के आपकी पी वाई, ये पी जेड। यहां से एफ ऑर्बिटल स्पेस में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन था ये, और जब पी ऑर्बिटल्स किस एटम की, एफ एटम फ्लोरीन, तो उसको भी यहां पर केवल हम दिखा पाएंगे ये, और उसका इलेक्ट्रॉन ये, इधर से ये इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, ये तो बेरिलियम का हो गया और ये फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तब आप देखते हैं कि ओवरलैपिंग किस प्रकार की हो रही है, एलसीएल ये एलसीएल ओवरलैपिंग, एलसीएल ओवरलैपिंग से ये क्या बनता है, सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये। ठीक, बात समझ में आई। अब यहां से हम इस चीज को देख लेते हैं, ज्यामिति कैसी बनती है, तो बेरिलियम और ये एफ एटम, ये एफ एटम, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो ज्यामिति कैसी इसकी हो गई, जाकर के ज्यामिति रेखीय हो गई, कैसी है, देखिए लीनियर रेखीय ज्यामिति। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं यहां से हम, तो बॉन्ड एंगल देखिए कितना बन रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है,
कि बंधन कोण 180 डिग्री, बंधन कोण 180 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एसपी संकरण को समझ रहे हैं। एसपी संकरण में एक आपको हम अभी एसिटिलीन का बता रहे थे, उसको भी समझ लेते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पूरा संकरण पढ़ने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वीडियो को काट काट के नहीं देखना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और अगर आपको अच्छी लगती है, आपको बात समझ में आती है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी आप हमें कमेंट में कर सकते हैं और उसका आंसर, उसका जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा दो दिन के अंदर, क्योंकि आपका कमेंट आएगा जब हम देखेंगे तभी उसका रिप्लाई भी आपको कमेंट के माध्यम से भी कर देंगे। और अगर आप अपना मोबाइल नंबर भी शुरू दे देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको फोन करके भी उसका जवाब आपको हम दे सकते हैं। एसिटिलीन, अभी भी मैंने आपको बताया था कि सिग्मा और के साथ, ये सिग्मा और एक के साथ, तो इस वाले कार्बन पे कौन सा संकरण है एसपी, और इस वाले कार्बन पर भी कौन सा संकरण है एसपी। और एसपी की ज्यामिति अभी आपने देखी कैसी होती है, रेखीय होती है, तो आप बना लीजिए तुरंत ऐसे एक कार्बन पर मिले, दूसरे कार्बन पर भी ये मिले, यहां पर एसपी यहां पर भी एसपी, इसका मतलब है कि यहां पर कौन सी वैकेंट है पी वन, यहां पर भी पी वन, और साथ में पी जेड वाले भी, ये हो गई पी वाई, ये भी हो गई पी वाई, इस प्रकार। अब आप देख रहे हैं कि ये P और P आर्बिटल की ओवरलैपिंग किस प्रकार की है, हेड ऑन, अच्छी अध्यापन है, अच्छी अध्यापन से क्या बनता है सिग्मा, और पी वाई और ये पी वाई क्या करेगी, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगी तो क्या बनेगा पाई, एक और ये पीजेड वाले भी क्या करेगी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगी तो क्या बनेगा यहां से एक पाई वन और ओवरऑल कितना बन गया एक सिग्मा और दो पाई, जैसा कि यहां पर है एक सिग्मा और दो पाई। अभी हमारे पास में एच एटम है और एच एटम का अगर देखें तो वन एच तो क्या होता है वन एस वन, और एस ऑर्बिटल कैसी है गोलाकार होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां से ये और यहां से इसे, यहां पर भी आप देखते हैं कैसा किस प्रकार की ओवरलैपिंग है, और यहां पर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस प्रकार की ओवरलैपिंग है, यहां से क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड और यहां से क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर एक कार्बन पर हम लोग देखें यहां से इस कार्बन पर देखें तो कुल कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे एक और दो, इस कार्बन पर देखें अगर तो कितने बन गए एक और दो, तो दो सिग्मा बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा एसपी संकरण हो जाएगा। इज दैट क्लियर, तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको एसपी संकरण क्लियर हो गया, इसकी ज्यामिति कैसी होती है लेकिन रेखीय होती है, इसकी ज्यामिति रेखीय होती है, और बंधन कोण कैसा होता है बंधन कोण 180 डिग्री होता है। ठीक, अगला देखते हैं।
sp2 संकरण में sp2 संकरण, इसमें क्या हो जाएगा कि 1s ऑर्बिट और कितनी 2p ऑर्बिट आपस में मिश्रित होकर कितनी बनाएंगे, 2 और 1 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण। और इस प्रक्रिया को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। आपके समझ में आ गया होगा कि sp2 संकरण क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है और इसके एग्जांपल्स BF3 C6 F6 BCl3 या एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से हम आपको 3 एग्जांपल्स के लिए देंगे। एक तो BF3, दूसरा बेंजीन और तीसरा एथीन। क्योंकि यह वीडियो BSc प्रीवियस कानपुर यूनिवर्सिटी के बेस के सिलेबस के आधार पर बनाए जा रहे हैं, तो आपके लिए ये सारे के सारे एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, क्योंकि सेकंड पेपर में भी हाइब्रिडाइजेशन है और फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड में ऑप्शनल है और फर्स्ट में डिस्क्रिप्टिव है, तो दोनों को आप एक साथ में देखेंगे। सबसे पहले BF3 बोरान का परमाणु क्रमांक 5, 1s2, 2s2, 2px1, 2py0 और 2pz कितना होगा 0। ठीक, ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था इसको बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी एनर्जी लेवल उन सबसे डिफरेंट है, इसलिए इससे तो मतलब नहीं है। तो हम यहां पे नहीं कर रहे हैं आपकी बात कि समान ऊर्जा वाले ही ऑर्बिटल्स को बनाना। इलेक्ट्रॉन का फिलअप बुंड के नियम के आधार पर करेंगे, इस पर इसकी एक्साइटिंग स्टेट, एक्साइटिंग स्टेट में क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां का जंप करके वैकेंट वाली ऑर्बिटल में पहुंच जाए। अब आप देख रहे हैं कि एक एस और दो पी इनमें क्या रहेगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जहां फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन, अब आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि यहां पर कितने सहसंयोजी बंध बन रहे हैं, 1, 2 और 3 तीन सहसंयोजी बंध बन रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, sp2, इसको क्या बोलेंगे sp2
और इसको क्या बोलेंगे एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिट। क्या बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिट। मैंने आपको पहले बताया कि जितनी आपस में मिश्रित होंगी उतनी ही नई ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। तो एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल मिश्रित हुई, कुल मिलाकर के तीन मिश्रित हुई, इसलिए कितनी बनेगी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। क्योंकि तीन मिश्रित हुई इसलिए तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। अब यहां से आप देखिए कि तीन एसपी टू इनकी आकृति कैसी है, एक दो और ये। अब जब इनको आपस में मिक्स करेंगे तो ये क्या करेंगे, यहां से आप देखें कि एक एक इलेक्ट्रॉन इनसेट और इनसे कौन जुड़ेगा करके एफ एफ में क्या होगी पी जेड वन। और एफ का एक यहां से इस प्रकार, तब आप देखते हैं कि यहां पर किस प्रकार की ओवरलैपिंग हो रही है एलसीएल, यहां पर कैसी हो रही है एलसीएल और यहां पर कैसी हो रही है एलसीएल हो रही है। और एलसीएल को ओवरलैपिंग हो रही है आप देखिए यहां से ये एलसीएल दिखा देते हैं इस। जब इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो अगर इनको हम मिला देते हैं ऐसे 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 तो एक त्रिकोण बन जाता है। मतलब इसकी ज्यामिति कैसी हो गई जाकर के, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री कैसी हो गई जाकर के त्रिकोणीय, कैसी त्रिकोणीय और वो भी समतली। और अगर इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये 120 बंधन कोण कितना हो गया जाकर के, बंधन कोण बराबर 120 डिग्री। बात समझ में आई। मतलब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी ज्यामिति कैसी होगी त्रिकोणीय, sp2 की त्रिकोणीय sp की रेखीय। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि बोरान ये और ये एफ एटम और एफ, ये कैसा देखिए त्रिकोणीय है हो गया। और बॉन्ड एंगल यहां से शो करना चाहे तो शो कर सकते हैं 120 डिग्री। इस प्रकार से BF3 का में आपने क्या दिखा लिया संग्रह। अगला है आपको हम यहां से दिखाते हैं संरचना, आपको पता चली चुकी है इसलिए यहां से आप देखिए बेंजीन का बना के दिखा देते हैं। बेंजीन में देख लीजिए
C6H6। ठीक, बेंजीन में एक इस प्रकार, और बेंजीन में क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला किसी भी कार्बन पे आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा। तीन सिग्मा होने का मतलब है sp2। किसी में भी आप देखो 1, 2, 3 क्या हो गया आपके sp2, 1, 2, 3 क्या हो गया sp2, 1, 2, 3 क्या हो गया sp2, 1, 2, 3 क्या हो गया sp2, 1, 2 और ये 3 क्या हो गया sp2। प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है sp2 संकरण होता है। इस वजह से संरचना कैसी बनाएंगे, यहां पे आप संरचना बनाएंगे यहां पर त्रिकोणीय। इस sp2 का मतलब है कि एक s और दो p आपस में मिश्रित हो, एक p वैलेंट तो रहेगी pz वाली, तो उसको भी यहां पर हम लोग इसी टाइप से हम सभी में बना लेंगे। जब बनाएंगे ये और यहां पर भी हम लोग क्या बनाएंगे पी जेड जो बैठे सभी जगह बना लेंगे फटाफट। सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है, और इन सभी पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां तो एक्सियल ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगी साइड वाइज, जिससे क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड। यहां पर भी पी दिखाइए, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा पाई। यहां पर भी ये देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज से पाई। इस प्रकार से बेंजीन का भी स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहां से देखिए सामने ही एक क्षेत्र जब होता है तो यहां से क्या हो जाएगा स्पेरिकल शेप और ऑर्बिटल आपस में क्या करेगी ओवरलैप करेगी। इससे क्या बना देंगे यहां पर जाकर के सिग्मा एक्सियल है तो क्या बनेगा सिग्मा, सभी पर इसी प्रकार से ओवरलैप होकर के क्या बनेगा सिग्मा।
कंप्लीट। ठीक, अभी मैंने आपको एक और बताया बनाने के लिए, क्या बताया था मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका भी देख लेते हैं जल्दी से। ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा और सिग्मा मतलब sp, यहां पर ये देख तीन सिग्मा इसका मतलब sp, और sp को तो यहां पर कैसे संरचना बना लेंगे हम लोग, त्रिकोणी देखो बढ़िया नहीं आ रहा, देखिए त्रिकोणी बन गया तो नहीं, ये देखिए एक्सियल ओवरलैप से क्या बन गया सिग्मा बॉन्ड, और इनमें सब में क्या क्या वैकेंट है, एक एक ऑर्बिटल वैकेंट। देखिए ये साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या बन गया 5, और इसके बाद यहां से H तो ये भी कैसा है सिग्मा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा। इस हिसाब से CH2 डबल बॉन्ड CH2 का भी बन गया है। आगे देखिए आगे का देखिए, जो अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये संकरण आपको अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है, इतना आप पढ़े, और आप नए वीडियो को पाने के लिए जो केमिस्ट्री की मिस्ट्री को सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, और आपको कोई कमेंट या किसी क्वेश्चन का क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो वे आप कमेंट में हमको दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।